येलो अलर्ट है। छतरपुर, पन्ना, सतना में भी बारिश का येलो अलर्ट है। डिंडौरी, जबलपुर, बुरहानपुर में येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट का मतलब बारिश होगी और ठीक रहेंगी स्थितियां, लेकिन बावजूद इसके सावधानी जरूरी है। रेड अलर्ट का मतलब बहुत तेज बारिश होगी, नुकसान होने की भी संभावना है, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहें। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट शहडोल के लिए जारी किया गया है, अनूपपुर के लिए जारी किया गया है और सीधी के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दतिया, भिंड, टीकमगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट है, तो वहीं छतरपुर, पन्ना, सतना में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा डिंडौरी, जबलपुर, बुरहानपुर में भी मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तो अभी बारिश थमा नहीं है और बारिश लगातार हो रही है, बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों को अभी सूर्यदेव के दर्शन इतने जल्दी नहीं होंगे, खासतौर पर बात करें अगर शहडोल, अनूपपुर और सीधी की, तो यहाँ पर बारिश का रेड अलर्ट क्योंकि जारी किया गया है, तो समझा जा सकता है कि कितनी तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में जो भी काम आपके हैं वो समय रहते आप पूरा कर लें, क्योंकि तेज बारिश की वजह से आवाजाही में समस्याएं हो सकती हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रेड अलर्ट सीधी के लिए, अनूपपुर के लिए और शहडोल के लिए जारी किया गया है, येलो अलर्ट दतिया, भिंड, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया गया है, क्या इस बार जो बारिश होगी वो बीते दिनों की हुई बारिश से ज्यादा तेज होने वाली है? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है और अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके अनुसार बिंद का जो इलाका है वो वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, चाहे वह सीधी सिगरौली की बात हो या फिर शहडोल आदि अनूपपुर की बात हो, ये वो इलाके हैं जहां हैवी रेन का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जारी है, अगर सबसे अधिक जो है वो येलो अलर्ट के लिए जिले हैं, लगभग 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया, यानी जहां लगातार रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात राजधानी या उसके आसपास के इलाकों की बात करूं तो यहां पर लाइट रेन का जो है अलर्ट जारी किया, यानी हल्की फुल्की बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। और इस साल हमने जिस तरीके से देखा कि मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से मानसून सक्रिय रहा और अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश भी देखने को मिली, और अगस्त के महीने में जो बारिश हुई वो कहीं ना कहीं आफत की बारिश बनकर उभरी है और कई इलाके ऐसे रहे जहां नदी नाले उफान पर रहे और कई मकानों के गिरने की खबरें भी आई, कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें भी आई। और मौसम विभाग की माने तो पूरा अगस्त जो है वो इसी तरह का मानसून रहने वाला है। हालांकि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सों को छोड़ के मानसून का जो सिस्टम है थोड़ा सा लो हुआ है, और यही का कारण है कि केवल 4 से 6 जिले ही हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया है, बाकी जगह येलो अलर्ट और जो है वो नॉर्मल बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अब तक औसत बारिश जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है, औसत से थोड़ा सा अधिक बारिश ही हो चुकी है, और आने वाले जब अगस्त के महीने में पूरे महीने जब बारिश का बात जो है मौसम विभाग कर रहा है तो निश्चित तौर पर जो औसत बारिश है उससे अधिक इस बार मध्य प्रदेश में बारिश, यानी कि इससे समझा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट इस बार जारी किया है उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। हरीश द्विवेदी भी हमारे साथ है सीधी से। हरीश, इस बार जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है बारिश को देखते हुए, उसे वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि रेड अलर्ट सीधी के लिए जारी किया गया। बिल्कुल, आपने सही कहा है, जिस तरीके से सीधी में रुक रुक के आज सुबह से ही बरसात, कहें या कहें एक हफ्ते से लगातार बरसात हो रही है। हालांकि जिस तरीके से बरसात हुई है उसके बाद से ही नदी नाले उफान पर हैं और जिला प्रशासन से लेकर आमजन भी बिल्कुल सतर्क मोड़ पर हैं कि कब बादल जो है तो बिल्कुल बरसना शुरू कर देगा या कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद से लोग जो है तो अपने आप को थोड़ा सा आहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो नदियां, खेत, तालाब है वहां पर भारी मात्रा में पानी भी जो है तो भर चुका है। हालांकि जिस तरीके से मैं सीधी जिले की अगर बात करूं या बिंद क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 3 वर्षों से लगातार जो बारिश हो रही थी इतनी बारिश नहीं हो रही थी जितने में किसानों की भरपाई हो सके, तो ऐसे में इस साल जो अच्छी बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है और किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से अच्छी बारिश न होने की वजह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए बारिश को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वही बड़वानी में उफान पर नर्मदा नदी है और राजघाट का जो पुराना पुल है वो जलमग्न हो चुका है, मंदिर और दुकानों तक पानी पहुंच चुका है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, नर्मदा कछार में अलर्ट जारी किया गया है, खतरे के निशान से 5 मीटर नर्मदा नदी ऊपर
बह रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उफान पर नर्मदा नदी है। राजघाट का पूरा पुल जो है वो जलमग्न हो चुका है। इसी पुल से गांव और शहर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये पुल देखिए आप, जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब चुका है पूरी तरीके से। मंदिर और दुकान तक पानी पहुंच चुका है। कलेक्टर ने अभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी को भी यहां आने ना दिया जाए। नर्मदा कछार में अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के निशान से 5 मीटर नर्मदा नदी अभी ऊपर बह रही है। खरगोन में ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा गया है। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बड़वाह में घाट पर साईं मंदिर आधा डूब चुका है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नर्मदा घाट पर जलस्तर बढ़ रहा है। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। नर्मदा पुल से जलस्तर 162 मीटर से नीचे है और खतरे के निशान से 1.5 मीटर नीचे है। लेकिन देखिए, जहां पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, सावन चल रहे हैं क्योंकि, तो ऐसे में कई लोग जो है आस्था और श्रद्धा के लिहाज से यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनडीआरएफ और गोताखोर की टीम मौके पर है ताकि अगर कोई भी यहां पर आता है, किसी भी कारणवश कोई भी दिक्कत होती है, तो पहले से ही यहाँ पर टीमें मौजूद रहें। ओंकारेश्वर परियोजना से 10,000 क्यूबिक पानी छोड़ा गया है गेट के माध्यम से, जिसकी वजह से जो नर्मदा का वाटर लेवल अभी बढ़ा है, अभी वर्तमान में 162 मीटर के लगभग है मोटा कप है। और इसकी वजह से जो हमने यहाँ एहतियात के तौर पे एसडीआरएफ की टीम भी लगाई है, हमारी पुलिस जवान लगे हैं और रेवेन्यू की टीम भी लगी है, और स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी लगाए गए हैं एहतियात के तौर पर। तो वही खंडवा में दोनों बांध से एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है। 3 मीटर तक इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो घाट है वो डूबने लगे हैं। इसके अलावा जो निचली बस्तियां हैं उन्हें खाली कराई गई हैं। और ये जो दृश्य है बांध के गेट खोले जाने का, ये काफी अद्भुत दृश्य है। देखिए यहाँ पर 12 गेट क्योंकि खोले गए हैं, वो भी 3 मीटर तक इन गेट को खोला गया है जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से। लेकिन निचली बस्तियों को पहले से ही कह दिया गया जगह खाली कर दें वरना आफत आ सकती है। ये इंदिरा सागर बांध है जिसके 12 गेट खोले गए हैं, 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी मिलेगी और वीकली ऑफ भी मिलेंगे। श्रम विभाग की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। सभी विभागों और संभाग आयुक्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी हो चुका है। कंपनी निर्देश ना माने तो कोर्ट जा सकेंगे कर्मचारी। अगर कंपनी जबरन करेगी, मनमानी करेगी, तो कर्मचारी ऐसे समय में कोर्ट भी जा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आदेश जारी हो चुका है, गाइडलाइन है ये, और गाइडलाइन के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है तो इसमें सजा भी होती है। ऐसे में सभी विभागों, संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कंपनी अगर निर्देश ना माने तो कोर्ट भी कर्मचारी जा सकते हैं। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं 3 लाख से भी ज्यादा प्रदेश के, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में स्कूली छात्राओं से झूठे बर्तन धुलवाने का एक मामला जो है सामने आया। शासकीय प्राथमिक शाला का मामला बताया जा रहा है मटियारी का, जहां पर स्कूली बच्चियों से बर्तन धुलवाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक चाय पीने के बाद अपने झूठे बर्तन स्कूल की छात्र छात्राओं से धुलवाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में अनुशासन और शिक्षकों की नैतिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब ऐसे में ये सवाल है कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहाँ भविष्य के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने पैसे खर्च करने के बाद जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वहां पर अगर वो इस तरीके से काम करते हैं, तो अब ऐसे में कितना ज्यादा दुख उन अभिभावकों को होगा। देखिए ये वीडियो मटियारी का बताया जा रहा है, ये वीडियो जहां चाय पीने के बाद जो शिक्षक हैं वो बर्तन छात्रों को देते हैं। ये छात्राएं आप देख सकते हैं जिन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप बर्तन धो दीजिए। तो झूठे बर्तन धोने के लिए क्या छात्र यहाँ पर आती हैं? ये बच्चियां जो स्कूल आती हैं वो क्या झूठे बर्तन धोने के लिए आती हैं? और ऐसा शिक्षक कहाँ? हालांकि कहा जाता है कि गुरु सर्वोपरि, गुरु वो जो शिक्षा सिखाते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो बर्तन धो रही हैं, पढ़ने आती हैं लेकिन यहाँ बर्तन धो रही हैं। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अगर इन बच्चियों को बर्तन धोना था तो वो अपने घरों में क्यों ना धोएं, स्कूल क्यों आना पड़ता है इन्हें बर्तन धोने के लिए? क्या अब इस पूरे वीडियो की जिम्मेदारी किसी ने ली है? आपने बिल्कुल सही कहा, हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ही स्कूल भेजता है। अगर बर्तन ही मलना होता तो वो अपने घर में बर्तन धुलती, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना निकल कर सामने आई है ये शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली घटना है। टीचरों के द्वारा बच्चों से चाय बनवाना, फिर उनसे बर्तन धुलवाना, ये जो वीडियो है ये प्राथमिक शाला मटियारी का है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं निकल कर सामने आती है तो शिक्षा पर सवाल उठता है, सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है या उनसे काम कराने के लिए। फिलहाल इस पूरे घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है DEO, उनसे हमने फोन पर बात करनी चाहिए लेकिन उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि जब इनसे बात होगी तो इस पूरे मामले में किस तरीके से वो संज्ञान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली ये जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आई है। ऐसे में कड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमेशा नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बालाघाट से खबर है जहां तेंदुआ दिखने के बाद दहशत मच गई है। चांगो टोला गांव में तेंदुआ दिखाई दिया है। वन विभाग ने तेंदुए को लेकर जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हें अलर्ट कर दिया है। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। तस्वीर आप देखिए तेंदुए की। श्रीनिवास संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल रही है? अब क्या रेस्क्यू कर लिया गया तेंदुए का? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है चांगोटोला क्षेत्र जंगल कटा हुआ है ग्राम है और लगातार बारिश का समय है। SM नेशनल पार्क भी बंद है तो रोजाना ही टाइगर या तेंदुआ सभी रोड पे दिखाई देते हैं, लेकिन ये नया मामला है जिसमें कि ये गांव के अंदर घुस दिखे हुए दिख रहे हैं। और साथ ही बताया गया कि देर रात की घटना है, सरपंच जो है सरपंच के घर में पहले तेंदुआ घुसा, फिर वहां पे जब आसपास के लोग आवाज लगाए गए तो घर से बाहर निकला, जिसका लोगों ने वीडियो भी बनाया, लेकिन जैसे फॉरेस्ट को उन्होंने इंतला किया लेकिन फॉरेस्ट मौके पर नहीं पहुंचा और इसके बाद वहां पे लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि तेंदुए यहाँ वहां भागते हुए देर रात की घटना थी, वैसे में वो नजर नहीं आया। अभी भी फॉरेस्ट द्वारा उसको ढूंढा जा रहा है क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं कि कहाँ किसके घर में बल जाए क्योंकि तेंदुए का भी डायरेक्ट हमला करता है। तो अभी एहतियात तौर पर सबको अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, वहीं फॉरेस्ट उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जो लग रहा देर रात की बात बता रही है, फॉरेस्ट को सूचना के बाद ही मौके पर नहीं पहुंची, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ी करते फॉरेस्ट विभाग के ऊपर कि सूचना के बाद ना पहुंचना, यदि कोई जनहानि हो जाती उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल, और सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास। बिलासपुर जिले में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं, जो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल चुरा रहे हैं, पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सीपत थाना क्षेत्र से, जहां पधी मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े टैंकर से डीजल चोर गिरोह के सदस्य तेल चुराते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी की ये पूरी वारदात मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कार से आए डीजल चोर गैंग के 4 सदस्य टैंकर से डीजल चोरी कर फरार हो गए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है।
उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आखिर क्या वजह है जो इतनी हाई सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं, बावजूद इसके चोरों के हौसले बुलंद हैं? देखिए, बिलासपुर जिले में डीजल चोर गिरोह जो है वो सक्रिय है, और ये एक दो मामले नहीं, लगभग दर्जन भर इस तरह की घटनाएं निकलकर लगातार सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अब तक इन पर पहुंच पाने में या इन्हें पकड़ पाने में नाकाम रही है, लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये हाईटेक तरीके से एक कार में आते हैं और इसमें से तीन या चार जो युवक है वो निकलते हैं और जो टैंकर है उससे डीजल चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को लगी है और उसके बाद जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जानकारी साझा करने के लिए उमेश। भिंड में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गोरमी नगर पालिका के सीएमओ को हटा दिया गया है। दीवार और छज्जा गिरने से दो लोगों की मौत हुई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई। सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये दीवार गिरी थी। बहुत ही ज्यादा दुखद मामला। गोरमी नगर पालिका के सीएमओ को हटा दिया गया है। दीवार और छज्जा गिरने से दो लोगों की इसमें मौत हो गई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है। नीमच के मनास में घर के बाहर खड़ी कार को उचक्के उड़ा लेते हैं। कार की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें कि रॉयल रेजिडेंसी कॉलोनी में देर रात अज्ञात बदमाश सफेद रंग की कार चुरा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कार मालिक ने मनासा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये चोर कौन थे। बड़े ही शातिराना अंदाज में, कोई छोटे मोटे वाहन नहीं बल्कि चार पहिया वाहन कार आप देखिए चुरा कर यहाँ पर ले जाते हुए वो नजर आ रहे हैं। जांच में पुलिस जुट चुकी है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। बालाघाट में